परोपकार की दम शरीरम अर्थात परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए ही गाय दूध देती है और यहाँ गोयनाथ का मानव रूपी शरीर भी परोपकार के लिए ही बना है। जय हिंद जय गणगंगा। कार्यों को देखकर जिस तरीके से सभी कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, कहीं ना कहीं प्रभावित होकर या कहीं ना कहीं हमारे सदस्यों से संपर्क होने के कारण इस समय उपस्थित हैं, तो मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहूँगा। साथियों, लायंस क्लब का नाम आपने सुना है, बच्चों जैसे शहर में आपने लायंस क्लब की गतिविधियों को नज़दीक से देखा है, फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था जिसका की स्थापना 1917 में सर लायंस जॉन्स ने की थी और ये कल्पना की थी कि समाज की सेवा हम अपने व्यवसाय सामाजिक व्यक्तिगत इतर नायक विचार आज दिनांक 4 अगस्त 2024 नाइन्स क्लब बच्चों का मल्टीपल 3 2 3 के सदस्य के रूप में लायंस अंतर्राष्ट्रीय से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही सदन को हम आश्वस्त करते हैं लायकवाद के सभी सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। कृपया आपने अपना दाहिना हाथ जरूर उठाकर सदन का आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने उस बात को नहीं दोहराया। बहुत ही वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मात्र शक्ति का बहुत ही उचित स्थान है। सचिव जो है उनसे जानना चाहूँगा सेक्रेटरी महोदय से कि वर्ष 2024-25 से कहना जो जवाबदारी की है, आपको माना होगा कि बच्चों में शिक्षा जगत में आप इस वक्त क्या योगदान दे सकते हैं और मुझे पूरा मानता है कि उनका जन्म बहुत धन्यवाद है। मैं सब रुकना चाहूँगा कि आप अगर खुद ही अपने दायित्व को समझा है और समझते हुए उसे स्वीकार किया है, कृपया दाहिना हाथ उठाकर आप सदन को आश्वस्त करें कि शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में आप हम अपने अपने दायित्व का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें। बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं शिक्षा समिति के सभी सदस्यों को यहाँ पर संस्थागत घोषित करता हूँ, कृपया तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे चीफ गेस्ट पधार चुके हैं।
प्रत्येक संस्था को कहीं ना कहीं अपनी क्रिया अपनी गतिविधियों को समाज के बीच ले जाने का और जन सामान्य से हमारी संस्था को जुड़े रखने का एक माध्यम है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मातृशक्ति यहाँ पर पांच है। आप सभी की बहुत ही जवाबदारी होती है जब हमारी शिक्षा समिति, हमारी स्वास्थ्य समिति और हमारी सांस्कृतिक समिति प्रेसिडेंट के साथ काम करेगी और इस कार्य को पूरा होने के साथ ही आप सभी की महत्वपूर्ण जवाबदारी होगी उस कार्य को आप मीडिया के समक्ष ले जाएं। मीडिया में चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप सभी को उस खबर को वहां तक पहुंचाना है और मीडिया से रिलेशन इस तरीके से रखना है कि आपकी प्रत्येक गतिविधि को मीडिया के अंदर स्थान मिले। क्या आप इस दायित्व को निर्वाह करने के लिए तैयार हैं? कृपया अपना अपना दाहिना हाथ उठाकर सदन को आश्वस्त करिए। जिससे समाज में छवि और भी जो बेहतर मिले। पूछा चिड़िया से कैसे बोला बना घोसला, तो बोले भरना
यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, और एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोले बार बार भरना पड़ती है उड़ान और पंखों को बार बार फैलाना पड़ता है। तो मैं पुनः इनको शुभकामना देता हूँ कि अपने उड़ान भरते रहे, नित नए कार्य करते रहे, लाइन लाख को ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। और राजगढ़ जिले में तो मैं आज घोषित कर ही रहा हूँ कि क्लब श्रेष्ठ क्लब में आ चुका है, मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जीटू के सर्वश्रेष्ठ क्लब में आए। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं सभी को पुनः जो है बधाई धन्यवाद। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि हमारी नवीन ऊर्जावान अध्यक्ष जिसको सुनने के लिए सब आदरणीय मंचा सिंह मुख्य अतिथि महोदय, हमारे क्षेत्र में लोकप्रिय विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री माननीय श्री गौतम जी केकरवाल साहब, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, हमारे बीच पिपरिया से पधारे शपथ अधिकारी महोदय MJF लॉयर मनीष शादी सर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और हमारे बीच आई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी MJF लॉयर आदरणीय मंचा सिंह मुख्य अतिथि महोदय, हमारे क्षेत्र में लोकप्रिय विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री माननीय श्री गौतम जी केकरवाल साहब, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, हमारे बीच पिपरिया से पधारे शपथ अधिकारी महोदय MJF लॉयर मनीष शादी सर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और हमारे बीच आई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी MJF लॉयर RM शुक्ला सर, विशेष अतिथि के रूप में पधारे श्री विकास जी दीक्षित भाई साहब, मंडल अध्यक्ष पचोर, मंच पर उपस्थित हमारी पूर्व उपाध्यक्ष संदिका गुप्ता जी, हमारे MOC लॉयर डॉक्टर निशा गुदनिया जी, चार्टर्ड प्रेसिडेंट MOC डॉक्टर अनुराग राणा जी, लॉयर्स क्लब पचोर अध्यक्ष लॉयर स्वप्निल गुप्ता जी, उनके साथ मेरी खुशी में शामिल हुए मेरे लॉयर्स क्लब परिवार के सदस्य लॉयर JP उदावत जी, लॉयर दीपक जुलानिया जी, और लॉयर्स क्लब के जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। लॉयर्स क्लब सारंगपुर से आई मेरी सखियाँ लॉयर प्रभा पालीवाल जी, लॉयर अंजलि जी, लॉयर ममता शर्मा जी, लॉयर महेश शर्मा जी, लॉयर्स क्लब प्यावरा से तशरीफ लाए लॉयर मुकुल जैन जी क्लब मेंबर, मेरा लॉयर गिरीश जी टीम, लॉयर्स क्लब नरसिंहगढ़ के अध्यक्ष लॉयर जयदेव नगर के सभी पार्षद महोदय, हमारे देश के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु, लॉयर्स क्लब पचोर उड़ान की माय ब्यूटीफुल गर्ल्स, और आज शाम को चार चांद लगाने और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आए मेरे सभी प्रिय साथियों, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार। सारी आज अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत हुई हूँ और यह मेरे लिए बहुत ही इज्जत और गर्व का लम्हा है। पचोर जैसे छोटे से कस्बे में जहाँ सामुदायिक भावना हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लॉयर्स क्लब का यह मंच हमें एक साथ जुड़ने और समाज की सेवा करने का एक बेहतरीन मौका देता है। लॉयर्स क्लब की बुनियाद 1917 में अमेरिका में हुई और भारत में इसका आगमन 1956 में हुआ। इसके आदर्श वाक्य भी सर्व के तहत लॉयर्स क्लब इंसानियत की खिदमत के लिए पूरी तरह से समर्पित है। हमारा क्लब खासतौर से महिलाओं के द्वारा संचालित एक क्लब है। लॉयर्स क्लब हमारे सामुदायिक कार्यों को एक नजरिया और ऊर्जा प्रदान करता है। पचोर की महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार की धुरी हैं, बल्कि समाज की नई दिशा तय करने में भी अपना एक अहम योगदान देती हैं। इस साल क्लब की अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए ये जिम्मेदारी और भी खास है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, समाज में सेहत को लेकर मेरी फिक्र सबसे ऊपर है। हम पचोर में स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं के सुधार पर खास ध्यान देंगे। आई कैम डायबिटीज,
ब्लड डोनेशन, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पीडियाट्रिक कैंसर, माल नरिशमेंट आदि एक्टिविटीज और वर्कशॉप कैंप्स की ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी हमने सत्र की शुरुआत में ही आई कैंप सदगुरु सेवा संघ अनंतपुर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचोर के सहयोग से अपनी पहली एक्टिविटी सर्विस एक्टिविटी कंप्लीट की, जिसमें 350 रोगियों का नेत्र परीक्षण किया और 92 रोगियों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया। साथ ही फूड फॉर हंगर एक्टिविटी के तहत हमने सभी रोगियों को फूड पैकेट्स, पानी की बोतलों पर भी दिए। एक वृक्ष माँ के नाम योजना के साथ हमने अपनी प्लांटेशन एक्टिविटी कंप्लीट की। साथ ही 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे और सीए देवी क्लब के डॉक्टर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स के साथ मनाया। लॉयंस क्लब की आचार संहिता और उसूल हमें सेवा के प्रति समर्पण की हिदायत देते हैं। मैं नेवच के पावन पवित्र तीर्थ पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रीजनल चेयरमैन और मेरे सहारनपुर महाविद्यालय के प्रथम काल के प्रथम प्रोफेसर जिनने सहारनपुर के महाविद्यालय की नींव रखी, डॉक्टर राम मोहन शुक्ला जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे गुरु जी। और मेरी मिट्टी से जिस मिट्टी में मैं खेल के बड़ा हुआ, जिस मिट्टी की गंध मुझे इस मुकाम तक पहुंचाई, उस मिट्टी की महू अतीत सिद्ध की जो अभी चेयरमैन बन के अध्यक्ष बने, जोरदार तालियों से डॉक्टर अतीत सिद्ध जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सामने इंसाफ भाई डॉक्टर इंसाफ, मेरे इस परिवार से 3 पीढ़ियों के रिश्ते हैं, मेरे शहर की बहू भी है और देवास की बिटिया भी है, ये मालवा की बेटी है, इसलिए मालवा की बेटी। और इस बेटी में विशेष विशेषता ये है कि इसकी परवरिश जो हुई है, इसकी परवरिश सामाजिक संस्कृति के रूप में हुई है, ये राष्ट्रीय विचारधाराओं से जुड़ा हुआ परिवार है, इसलिए एक बार और तालियां स्वागत और मैं चाहूँगा आगे भी राष्ट्रीय विचारों से जुड़ी रहे, देश के प्रति धरती के प्रति वहाँ प्रेम बना रहना चाहिए। सम्मानीय सचिव महोदय,